गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा मैं गुड गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग गुड मैम। गुड मॉर्निंग। गुड अच्छा गुड मॉर्निंग। ठीक है चलो। कोई न्यू स्टूडेंट है क्या पहले बताओ? न्यू स्टूडेंट कोई है? उनका मैम। दिव्या, हाँ मैम। वैष्णवी, उर्वी और कोई हाँ है? विद्या। ओके चार स्टूडेंट है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो हमने अभी चैप्टर स्टार्ट किया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, उसका दो लेक्चर्स ऑलरेडी हो गया है, लेकिन अभी आपको अगर नहीं समझ रहा है, कोई डाउट है, ऑन द स्पॉट पूछो आप। और इसके बाद जो भी चैप्टर होगा ना वो बेसिक से होगा, वो आपको समझेगा। यहाँ पे अगर कुछ भी डाउट है तो ऑन द स्पॉट पूछो। ठीक है, उसके बाद आपका बेसिक से ही होगा, वो समझ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ होमवर्क दिया था ना? यस मैम। यस आया मैम। आंसर? हाँ मैम। आंसर आया? अच्छा मुझे पहले देखने दो कौन सा दिया। अच्छा बताओ कौन सा दिया था, बोलो। 2x² + 3 - 20 = 0। 3x होगा ना? हाँ, 3x - 20 = 0 एंड 2y, सॉरी, टू वाई 2y² 2y² + 15y + 28 = 0। 28। अच्छा ठीक है, पहले साइन लिख देते यहाँ पे। कहाँ लिखते? यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। चलो अभी आप बताओगे, अगर आपको प्लस माइनस प्लस से स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस दिखा आप क्या लिख दोगे? प्लस 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 हो जाएगा, माइनस प्लस का प्लस एंड प्लस। उसके बाद प्लस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। माइनस माइनस प्लस माइनस का क्या होगा? माइनस माइनस प्लस। माइनस प्लस और माइनस 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 का क्या होगा? प्लस माइनस। माइनस माइनस। और ये होगा बिग नंबर के लिए, जो भी बड़ा नंबर होगा, और जो छोटा नंबर होगा उसके लिए होगा माइनस, स्मॉल नंबर के लिए। यहाँ पे दिख रहा है? हाँ यस मैम। मैम जो फैक्टर बनाएंगे उस नंबर का, बड़ा या छोटा नंबर ना? हाँ उसी का जो फैक्टर बनाएंगे वो होगा बिग नंबर, जो उसमें जो बिग नंबर होगा उसको साइन देंगे प्लस, और माइनस होगा यहाँ पे स्मॉल नंबर। और यहाँ पे भी सेम है, सब में सेम ही है, भले यहाँ पे देखो प्लस प्लस दोनों के लिए, माइनस माइनस दोनों के लिए ना, तो वैसे भी लिखोगे वैसे भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों के लिए प्लस होगा, दोनों के लिए माइनस। लेकिन यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइनस और प्लस है, यहाँ पे प्लस और माइनस, लेकिन पहले आप क्या लिखोगे? बिग नंबर ही लिखोगे। आप खुद ही आदत लगा लोगे कि आप पहला जो फैक्टर लिखोगे वो हमेशा बड़ा नंबर होगा, उसके बाद वाला छोटा होगा, तो साइन आपको याद करने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बिग और यहाँ पे आएगा स्मॉल नंबर। चलो आंसर इसका के आया था किसी का? सी एन डी। सी एन डी आया था। सी एन डी आंसर में डाउट है। अच्छा मतलब आपको कंपेयर करने के लिए नहीं आ रहा है? नहीं मतलब कंपेयर भी किया है, तो मेरे फिर पहला आया एक्स इज स्मॉलर देन वाई, फिर नेक्स्ट आया है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, फिर थर्ड आया है। बात आगे जाओ ही मत, एक आपने स्मॉलर और एक क्या हो गया? ग्रेटर हो गया ना, एक ग्रेटर एक स्मॉलर है, ऐसा ही आ रहा है। आगे जाओ मत, जाओ मत आगे, आगे का सॉल्व करो मत, डायरेक्ट सी एन डी आएगा। जब ये दोनों का दोनों साथ में होगा ना, इसका मतलब मैंने जो फिफ्थ ऑप्शन लिख के दिया था, एक्स इज इक्वल्स टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, वो हो जाएगा, मतलब ही सी एन डी होता है। मतलब आपका आंसर आया है, आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, आपका आंसर सही आया है। देखो जो न्यू स्टूडेंट्स है ना उनके लिए बता रही हूँ, आपका ये जो मैंने साइन दिया है ना, माइनस प्लस 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 माइनस एंड माइनस माइनस, ये जो ये वाला साइड है वो साइन दिया है ना, वो इसका दिया है क्वेश्चन का साइन। ये जो दिख रहा है आपको दो दो, यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस कहाँ पे है?
यहाँ पे है, आप क्या करोगे, डायरेक्ट माइनस एंड प्लस साइन लोगे, मतलब माइनस और प्लस साइन फैक्टर जो भी आएगा आप क्या करोगे, जो बिग नंबर होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में दो फैक्टर्स आएगा कोई भी, तो आप बिग नंबर स्टार्टिंग में लिखोगे उसके बाद स्मॉल लिखोगे, बिग नंबर पहले लिखोगे उसके बाद ही स्मॉल नंबर आएगा। प्लस माइनस का क्या है, माइनस एंड प्लस, तो ये जो माइनस होगा यहाँ पे दो फैक्टर्स कोई भी आएगा, बिग नंबर को माइनस साइन होगा और स्मॉल नंबर को प्लस साइन होगा। वैसे ही यहाँ पे भी प्लस प्लस का देखो क्या है, प्लस प्लस का माइनस माइनस, मतलब बिग नंबर स्मॉल नंबर दोनों के लिए माइनस ही आएगा, यहाँ पे बिग नंबर हो स्मॉल नंबर हो दोनों के लिए माइनस ही आएगा। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, फैक्टर्स निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स निकालोगे लेकिन यहाँ पे भी तो एक नंबर है ना, तो उसको भी लेना पड़ेगा, मतलब जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा तब इसका फैक्टर्स निकालोगे दो, लेकिन यहाँ पे नंबर है तो पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई इन दोनों का, 20 × 2 क्या हो जाएगा 4040। और क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, ये साइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जब हमें ये निकालना होता है हमने तो डायरेक्टली लिखा टेबल कि जब हमें ये दिखेगा हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन फैक्टर्स के लिए ये वाला साइन इंपॉर्टेंट होता है, ये जो माइनस दिख रहा है यहाँ पे जो भी साइन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपका दो फैक्टर्स आएगा, दो फैक्टर्स आएगा उन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 3 होना चाहिए, माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो एडिशन 3 होना चाहिए, माइनस मतलब दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऐसा दो कौन सा फैक्टर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 40 हो लेकिन जिनको माइनस करेंगे तो 3 आएगा आंसर, बताओ 8 आएगा, 8 × 5 क्या होता है 40, 8 × 5 होता है 40, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 40, क्या देखो दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 3 आ रहा है, 8 − 5 क्या हो रहा है 3 हो रहा है, तो हमारा आंसर सही है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बड़ा नंबर 8 और छोटा नंबर 5, ठीक है। लेकिन x के साथ, x स्क्वायर के साथ यहाँ पे एक वैल्यू है वो हमें नीचे लिखना पड़ेगा, अगर इसके साथ कोई वैल्यू नहीं होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, −8 + 5, यहाँ पे वैल्यू है 2 है यहाँ पे, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये जो 2 है उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी दो फैक्टर्स आएगा दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, अभी आंसर क्या आएगा, 8 / 2 −4 और +2.5, ये दो आ जाएगा, ठीक है, ये दो आ गया, इसका फैक्टर्स 2 आ गया आंसर हमारा। अभी यहाँ पे देखो 28 और 2 दोनों है, यहाँ पे भी सेम था यहाँ पे भी 2 था, अभी यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो या अलग अलग भी लिखो, देखो 28 × 4 कितना होगा 56, 28 × 2 56 होता है, या तो आप क्या करो 7 × 4 × 2 दोनों सबका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 56 आ रहा है, दोनों का मतलब सेम ही है ना, चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, लेकिन ये मैंने क्यों लिखा है, हमें फैक्टर्स निकालने के लिए, जो दो फैक्टर्स निकालना होता है उसके लिए इजी हो जाता है, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन लिखो या नंबर लिखो दोनों का मतलब सेम है। अभी क्या देखेंगे हम, ये वाला साइन देखेंगे कि ऐसा दो कौन सा फैक्टर्स है जिसका एडिशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, जिसका एडिशन 1/5 होना चाहिए, यहाँ पे देखो 8 × 7, या तो यहाँ पे भी देख सकते हो 8 × 7 कितना हो जाएगा 56, अभी यहाँ पे 7 है, 4 × 2 कितना होगा 8 होगा, फिर से 8 × 7 मिल रहा है, पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, पहले लिखेंगे 8, उसके बाद आएगा छोटा नंबर दैट इज 7, और इसको नहीं भूलेंगे हम, ये क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसके साथ जो भी वैल्यू होगा वो पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद डिवाइड होगा, हमेशा याद रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा −4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा −3.5। अभी दो दो फैक्टर्स मिल गया, ये किसका फैक्टर्स है, एक्स का है, क्योंकि ये इक्वेशन एक्स का है, ये वाई का इक्वेशन है, तो ये वाई का फैक्टर्स हो जाएगा −4 and −3.5। अभी कंपेयर करना है, आंसर के लिए हमें कंपेयर करना है, −4 और −4 बड़ा कौन सा होगा छोटा कौन सा होगा, इक्वल है,
सेम हो जाएगा, इक्वल है दोनों का दोनों। माइनस फोर माइनस थ्री पॉइंट फाइव बड़ा कौन सा होगा? माइनस माइनस थ्री पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव बड़ा हो जाएगा। प्लस टू पॉइंट फाइव माइनस फोर कौन सा बड़ा होगा? टू पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव बड़ा हो जाएगा। अभी देखो ये दोनों का दोनों साइन आ गया, जब दोनों का दोनों साइन हो जाएगा उसका आंसर होगा सी एन डी। और ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? एक्स इज इक्वल टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टाब्लिश्ड और डिटरमाइन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये होगा आंसर आपको ये करना है क्योंकि ऑप्शन में ये होगा। इसका ही मतलब क्या होता है? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टाब्लिश का मतलब क्या होता है? सी एन डी, सी एन डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो आपको ये ऑप्शन को टिक करना है। जब भी ये दोनों का उल्टा उल्टा साइन ये आए और ये आए तो कोई भी एक नहीं है ना, या तो अगर ऐसा आता तो हम ये साइन ले लेते, अगर ऐसा आता तो हम क्या लेंगे? ये वाला साइन। लेकिन दोनों का दोनों साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या कि रिलेशन हम बता ही नहीं सकते कि x ग्रेटर दे ग्रेटर है या x लेस है y से। दोनों आ रहा है, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हेलो मैम। हाँ बोलो। ग्रेटर देन एंड ग्रेटर ऐसे साइन आएगा तभी भी यही आएगा ना? ग्रेटर देन एंड लेस रहेगा तभी भी सी एन डी आएगा ना? ऐसे बता रहे हो? हाँ तो भी सी एन डी आएगा। ओके मैम, ऐसे होगा तो भी सी एन डी आएगा। और किसी को डाउट है? पूछो, डाउट होगा तो। मैम आपने वो जो रिलेशन मतलब बताया ना, नहीं नहीं ऊपर वाला, वो जो आपने बोला ना माइनस फोर बड़ा है कि माइनस थ्री पॉइंट फाइव, वो जरा वापस से सिखाओ ना, मतलब समझा नहीं। सबसे पहले हमारा चार फैक्टर्स आया, ठीक है, एक्स का कितना आया है? दो फैक्टर्स आया है, वाई का दो आया है। अभी कंपेयर कैसे होता है? देखो सबसे पहले हम ये नंबर को कंपेयर करेंगे, सबसे पहले ये है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। माइनस फोर और ये वाला पहला वाला माइनस फोर, इन दोनों में देखो दोनों का दोनों सेम था, ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया? इक्वल लिख दिया। माइनस फोर सेम है। अभी देखो माइनस फोर और माइनस थ्री पॉइंट फाइव दोनों को कंपेयर करेंगे, कभी भी जो माइनस में वैल्यू होगा तो उसमें सबसे छोटा जो वैल्यू होगा वो ही बड़ा वैल्यू होता है। माइनस वन और माइनस नाइन होगा तो बड़ा क्या हो जाएगा? माइनस वन बड़ा होगा क्योंकि माइनस है। माइनस टू और माइनस एट में क्या बड़ा होगा? माइनस टू बड़ा होगा क्योंकि ये छोटा नंबर है, जो भी छोटा होगा वो माइनस में बड़ा होगा। तो माइनस फोर और माइनस थ्री पॉइंट फाइव में बड़ा क्या हो जाएगा? माइनस थ्री पॉइंट फाइव, इसीलिए ये साइन आ गया। अभी ये दोनों इसको इन दोनों से कंपेयर करके हो गया ये नंबर। अभी ये वाले नंबर को देखो, प्लस टू पॉइंट फाइव एंड माइनस फोर में बड़ा क्या होगा? प्लस का ही वैल्यू बड़ा होता है, तो ये क्या हो गया? बड़ा हो गया वैल्यू। प्लस टू पॉइंट फाइव एंड माइनस थ्री पॉइंट फाइव में बड़ा क्या होगा? जो प्लस होगा वो ही बड़ा होगा, तो अगेन यही आएगा हमारा साइन। तो जब भी हमारा आंसर में जो भी हम आंसर निकालेंगे ये दोनों का दोनों साइन दिखेगा आपको, आप क्या लिख दोगे? x इज इक्वल्स टू y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ऐसा ऑप्शन आएगा, उसी को ही मार्क करोगे। जब ये दोनों का दोनों साइन आएगा, दोनों आना चाहिए, अगर ऐसा आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि यहाँ पे तो x है, यहाँ पे y है, तो x और y तो यहाँ पे एज इट इज आएगा। ये जो साइन है इसमें ग्रेटर भी आ रहा है, x स्मॉलर भी आ रहा है, दोनों का दोनों आ रहा है, तो हम बता नहीं सकते ना कि एग्जैक्टली x बड़ा है या x छोटा है, y बड़ा है या y छोटा है, दोनों का दोनों साइन आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन ये चूज करेंगे कि x इज इक्वल्स टू y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि रिलेशन हम यहाँ पे नहीं बता सकते, इसीलिए ये ऑप्शन आएगा। ओके मैम। रफ कर दूं? बोलो। हाँ मैम। ओके चलो। मैम मैंने डाउट सॉल्व किया था, आपको मिला? क्या हुआ? डाउट सॉल्व किया था, आपको मिला क्या? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना?
करवा दूंगी लेक्चर में ही करवा दूंगी। क्या हुआ मैम? वो डाउट पूछा था उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो ही लेक्चर में लेने वाली हूँ मैं। वो उसमें रूट वाला है, एक्चुअली उसमें थोड़ा बड़ा वैल्यूज है और रूट वाला है, लेकिन जब तक ये वाला नहीं होता तब रूट में कैसे जा सकते हम। मैम आपने को होमवर्क भी दिया है रूट वाला? हाँ होमवर्क दिया है, चार क्वेश्चन दिया है। हाँ वो ही ले रहे ना अभी, उसमें इजी वाला रूट है, मतलब रूट ही है लेकिन इजी वाला है, वो अलग वाला है, मतलब समझ जाएगा आप। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा था। x square प्लस 16 प्लस 63 इज इक्वल टू 0, y square प्लस 13y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है। ओके बताओ आंसर। 9 7 x is less than or equal to y, x is less than y or equal to y, equal to y, equal to y, then equal to y, then is equal to y, मतलब हाँ राइट है, सबका सेम आया। हाँ मैम, यस मैम, हाँ मैम। चलो यहाँ पे देखो ये इजी है, x के साथ और y के साथ कोई फैक्टर नहीं है तो इजी हो गया, और 63 का ऐसा दो फैक्टर्स जिसका एडिशन 16 हो, जिसका एडिशन 16 होना चाहिए, क्या होगा? 9 into 7 हो जाएगा। 9 into 7 क्या होता है? 63 होता है, और एडिशन दोनों का कितना हो रहा है? 16 हो रहा है, मतलब ये दोनों का दोनों सेम है, सही है हमारा। प्लस प्लस का देखो क्या होता है, प्लस प्लस का माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? -9 -7। अभी यहाँ पे देखो जिसका मल्टीप्लीकेशन 40 हो, ऐसा दो फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, लेकिन जिसका एडिशन 13 होना चाहिए, एडिशन 13 क्या आएगा? 7 और 6 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ रहा है, और दोनों को एडिशन करके देखो 13 आ रहा है। प्लस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस एंड माइनस, यहाँ पे होगा माइनस और माइनस। अभी इसको कंपेयर करेंगे -9 और -7 में, बड़ा क्या होगा? -7 बड़ा हो जाएगा। -9 और -6 में बड़ा क्या होगा? -6 जो भी छोटा होगा वो बड़ा होगा। -7 -7 दोनों का दोनों सेम है, इक्वल है। -7 और -6 में बड़ा क्या होगा? -6। तो जब भी इक्वल भी आएगा और ये साइन भी आएगा, इसका ही मतलब क्या होता है? लेस देन एंड इक्वल्स टू। तो हमारा आंसर क्या होगा? x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y। कि जब भी ये वाला आएगा, ये इसका मतलब क्या होता है? लेस देन, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू। तो इसी का ही मतलब क्या होता है? x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y। तो हमारा आंसर आएगा x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y। ये जो नीचे है ना डैश, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू होता है, और ये अगर आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। तो इसको क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन अगर आपके ऑप्शन में है और इक्वल भी है, यहाँ पे अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दोनों आ रहा है तो हम ये साइन लिखेंगे। न्यू स्टूडेंट्स आपको डाउट होगा तो पूछो। मैम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गई। अच्छा आप हमेशा ही लेट ज्वाइन होते हो राजश्री? नहीं मैम मैं आज हुई ना, हमेशा नहीं होती, थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है इसलिए। ओके ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, जो होमवर्क दिया था वो ले रही हूँ मैं अभी। क्या हुआ विद्या, आपका आवाज नहीं आ रहा है? आपका एक्चुअल मुझे नहीं समझ रहा है, फिर से बोलो, मुझे नहीं क्लियर नहीं आ रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा है?
विद्या मैम उसको टाइप करने बोलो चैट बॉक्स हाँ विद्या टाइप करो वो ज्यादा अच्छा है हेलो मैम हाँ बोलो डिंपल कल लोगों को चलेगा आज पूरा नेट शो है तो क्वेश्चंस क्या बोल रहे हो वो जो डाउट सॉल्व किया था ना वो कल सॉल्व कराएंगे आज पूरा नेट का इश्यू है नहीं मेरा तो दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा इसलिए अच्छा तो आज होगा तो पता नहीं मैं आज ले पाऊंगी या नहीं लेकिन ले लूंगी अगर आज के लेक्चर में नहीं हुआ तो नेक्स्ट ले लूंगी हाँ चलेगा आप वैसे भी देख सकते हो ना बाद में हाँ 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 डाउट एक्चुअली ये जब बेसिक जब तक नहीं होता वो डाउट नहीं ले सकते वो रूट वाला डाउट है ना वो नहीं समझेगा डायरेक्टली नहीं ले सकते तो उसके पहले बेसिक लेना पड़ेगा अच्छा ठीक है जैसी आपकी इच्छा चलो उर्वी वैष्णवी अच्छा नहीं कर रही हूँ उर्वी वैष्णवी डाउट है आपको नहीं मैम समझा विद्या आप टाइप करके बताओ क्योंकि आपका आवाज नहीं आ रहा है यस मैम मैं टाइप करके बता रही हूँ आपको अभी आ रहा है आवाज अभी बोल सकते हो मैंने बोला एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए अच्छा इतना ज्यादा ये लास्ट वाला तो आया हाँ ये वाला एक्चुअली लास्ट वाले से ये वाला इजी है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 63 इक्वल्स टू 0 प्लस प्लस है ना हम साइन देखेंगे प्लस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और माइनस हम लिख देंगे माइनस एंड माइनस अभी 63 देखो 63 का ऐसा दो फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 63 होना चाहिए जैसे 9 × 7 इसका तो 9 × 7 आएगा 9 × 7 कितना होता है 63 होता है लेकिन यहाँ पे ये वाला साइन इंपॉर्टेंट है एडिशन 16 होना चाहिए जिसको ऐड कर देंगे तो आंसर 16 होना चाहिए तो 9 + 7 16 हो रहा है देखो 9 + 7 16 हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा -9 and -7 वैसे ही प्लस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस लिख दिया जिसका ऐसा दो फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 42 होना चाहिए लेकिन ऐड करेंगे तो आंसर 13 होना चाहिए 13 7 × 6 कितना होता है 42 दोनों का एडिशन देखो 7 + 6 13 हो रहा है तो हमारा फैक्टर सही है अभी कंपेयर करेंगे हम ये जो पहला वाला है ना उसको दोनों से सबसे पहले कंपेयर करेंगे मतलब -9 और -7 बड़ा क्या हो जाएगा जो छोटा वैल्यू होता है वही बड़ा होता है जब माइनस साइन होता है तो -7 -9 और -7 में -7 बड़ा हो गया ये -9 and -6 में अगेन -6 बड़ा हो गया -7 -7 दोनों का दोनों सेम है -7 and -6 में -6 बड़ा हो जाएगा तो हमारा साइन क्या आएगा जब भी कोई भी ऐसा और इक्वल मतलब लेस देन एंड इक्वल्स टू आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये वाला क्योंकि ये जो है x का फैक्टर है तो x यहाँ पे लिखेंगे हम ये जो फैक्टर आया है वो y का है तो y तो यहाँ पे लिखेंगे और बीच में साइन क्या जाएगा लेस देन एंड इक्वल्स टू मतलब x लेस देन भी है और इक्वल भी है ठीक है समझा हेमंत क्या हुआ नहीं समझा अभी ज्वाइन किया आपने अच्छा देखो आपका फर्स्ट लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड है अच्छा देखो जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 63 ऐसा दो फैक्टर जिसका मल्टीप्लिकेशन 63 होना चाहिए 9 × 7 क्या होता है 63 होता है 9 × 7 और एडिशन ये वाला जो साइन है वो इंपॉर्टेंट है तो एडिशन क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए दोनों का एडिशन देखो 7 और 9 दोनों का एडिशन 16 हो रहा है तो हमारा ये फैक्टर्स सही है
और जब भी प्लस प्लस दिखेगा आप क्या लिख दोगे, माइनस माइनस, दोनों को माइनस माइनस लिख दिया। 42 का ऐसा दो फैक्टर जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए 42, और एडिशन क्या होना चाहिए 13, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब एडिशन 13 होना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो 7 × 6 42 हो रहा है, दोनों का एडिशन देखो 7 + 6 13 हो रहा है, प्लस प्लस का क्या कर देंगे माइनस माइनस लिख देंगे। -9 - 7 में बड़ा क्या होगा बताओ हेमंत? -7 बड़ा होगा, -9 और -6 में -6 बड़ा होगा। -7 - 7 दोनों का दोनों सेम, -7 और -6 में अगेन -6 बड़ा हो रहा है, तो क्या वैल्यू आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, लेस देन आएगा, तीनों का तीनों लेस देन है एंड इक्वल्स टू आएगा, तो x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y। ओके समझा, रफ कर दूं बोलो अभी। हां मिस्टर मैम, बादल नेक्स्ट क्वेश्चन। x माइनस क्यूब रूट ऑफ 2744 इज इक्वल टू जीरो जी ना, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा x इज ग्रेटर देन y आया, x इज ग्रेटर देन y, और किसी का आया, और किसी का भी नहीं आया, x equals to y, x equals to y, और x is greater than y, greater than y, अच्छा, और किसी का आया, x less than equal to y, less than equals to y, और किसी का greater than y, greater than y, अच्छा, और x greater than y, greater than y, okay। बाकी सब लोग बताओ। मैम x ग्रेटर देन y है, ग्रेटर देन y, अच्छा सी एन डी आ रहा है पक्का, मजाक कर रहे हो, लेस देन y, मैम ये थोड़ा समझा नहीं दे। ओके सबसे पहले बताओ, मुझे रूट का नहीं समझा उस दिन भी, उस दिन भी नहीं समझा, अच्छा ठीक है अभी समझ जाएगा। देखो 2744 सबसे पहले बताओ किसका क्यूब है, 2744 किसका क्यूब है, 14 का है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, x माइनस है ना, यहाँ पे जाएगा तो प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा अंडर रूट 2744, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर क्यूब रूट, ठीक है यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि क्यूब रूट है, तो x is equals to क्या आएगा, किसका क्यूब है 14 का, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, माइनस तो आएगा ही नहीं। जब भी क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो हमेशा आंसर प्लस में होगा, जब तक आप, अगर ये कैसा होता पता है, x प्लस अंडर, अच्छा है ना यहाँ पे, चलो यहाँ पे है ना प्लस वाला, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस है ना, यहाँ पे जाके क्या होगा माइनस होगा, माइनस अंडर रूट 196 यही होगा, तो y इज इक्वल्स टू पहले क्या करोगे माइनस लिख दोगे, अंदर कुछ भी है बाहर क्या है माइनस है एज इट इज लिख दोगे, यहाँ पे क्या था कुछ भी नहीं था, इसका मतलब क्या होता है प्लस ही होता है, तो माइनस नहीं लिखेंगे प्लस भी नहीं लिखेंगे, लेकिन है तो प्लस ही, यहाँ पे बाहर क्या है माइनस है, तो बाहर जो भी वैल्यू होगा वो तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो माइनस है वो बाहर वाला माइनस है, क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, प्लस में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे जाने की वजह से, यहाँ पे जीरो है ना, तो यहाँ पे जाने की वजह से वो क्या हो गया माइनस हो गया, वो वाला माइनस है ये क्यूब रूट स्क्वायर रूट वाला माइनस नहीं है, ये वाला माइनस है जो यहाँ पे जाके माइनस होगा, जैसे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो वही होगा ना माइनस 2, वही मैंने बाहर वाला माइनस लिखा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है,
समझा, क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो, आप हमेशा क्या करोगे, प्लस में ही लिखोगे, लेकिन बाहर माइनस है वो हटा दोगे क्या? बाहर अगर ऑलरेडी आया है माइनस, जैसे यहाँ पे आया है, तो ये इसको प्लस करते क्या हम? इसको तो माइनस जो है एज इट इज लिख देंगे, माइनस टू, वही माइनस है ये, वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर किसका होता है, 14 का होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायरेक्टली 14 आएगा y का वैल्यू, लेकिन माइनस 14 आएगा। तो यहाँ पे है प्लस 14, यहाँ पे है माइनस 14, कौन सा बड़ा होगा? प्लस 14 ही बड़ा होगा, तो x इज ग्रेटर देन y ही आएगा। अभी किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम, ये वाला ना, देखो रूट में क्या लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। यहाँ पे जब भी हम कुछ भी नहीं लिखते ना, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है कि वो क्यूब रूट है। लेकिन यहाँ पे देखो 3 लिखा है, 3 होने दो या 4 होने दो या 5 होने दो, वो रूट हो गया, फिर वो क्यूब रूट हो गया, या तो अंडर रूट 4 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा होता है ना, उसको हम क्या मानते हैं, स्क्वायर रूट मानते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट के आगे सब लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो ये किसी ना किसी का क्यूब रूट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये किसी ना किसी का, ये वाला जो है ना वो किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये वाला जो वैल्यू है ये किसी ना किसी का क्यूब है, क्योंकि अंदर 3 लिखा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट नहीं होगा। क्यूब रूट में आपको अंडर 3 देंगे ही, हमेशा देंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब हम क्या मानेंगे कि वो स्क्वायर रूट है। हेलो, हाँ बोलो बोलो। वो जो y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 196 है, अगर उधर माइनस नहीं रहता, मतलब जैसे कि इक्वेशन रहता y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 196, वो बाहर जाके प्लस हो जाता था ना, तो फिर आंसर पे लिखा है ना? नहीं नहीं, y की बात, अगर यहाँ पे 14 होता, प्लस 14, हाँ, तो प्लस माइनस आता ना, हाँ, तो क्या होता, x इज इक्वल टू y, प्लस माइनस नहीं आता, प्लस माइनस नहीं आएगा, रूट का नहीं बोला था वो मैंने, बहुत वो कंसेप्ट अलग है, स्क्वायर का अलग कंसेप्ट है, क्यूब का अलग है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का अलग है। स्क्वायर रूट अगर आपको ये साइन दिख रहा है, इसमें आप स्क्वायर रूट होने दो या क्यूब रूट होने दो या अंडर रूट 4 होने दो, या तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू होने दो, एक्स होने दो, कोई भी वैल्यू हो, इन सब का जो आंसर आएगा हमेशा प्लस में ही आएगा, हमेशा। जब तक बाहर माइनस ना देखे आप कभी माइनस लिखोगे ही नहीं, अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। स्क्वायर होने दो, क्यूब होने दो, अंडर रूट 4 होने दो, अंडर रूट एक्स, या कोई भी वैल्यू होने दो, कोई भी वैल्यू, अगर आपको रूट दिख रहा है, रूट रूट दिख रहा है, हमेशा आंसर प्लस में ही आएगा, हमेशा। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये वाला प्लस जो था ना, उसकी वजह से ये माइनस हुआ था, ये इसकी वजह से माइनस हुआ था, तो जैसे हम मैंने ये वाला बताया आपको, हाँ शिफ्ट किया था ना, इसीलिए, जैसे देखो यहाँ पे एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो है, तो ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस होके ही जाएगा, तो ये वाला माइनस किसका होता है, ये वाला प्लस है, यहाँ पे जाने के माइनस होता है, वो वाला माइनस है, ये वाला क्यूब रूट स्क्वायर रूट वाला नहीं है, तो उसको तो वैसे ही रखेंगे ना हम, अगर माइनस है तो हम उसे हटा नहीं सकते ना, वो तो रखना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना है, माइनस टू है, तो वो तो रखना ही पड़ेगा, ये हटा सकते हैं क्या, वो वाला है, अगर ये वाला हमेशा रूट दिखे ना, हमेशा आंसर प्लस में आएगा, वो वाला कंसेप्ट अलग था, ये वाला कंसेप्ट अलग है, रूट दिखेगा आपको हमेशा क्या करोगे, प्लस में ही लिखोगे कंपलसरी, समझा? ओके हेलो, हाँ बोलो। वो y प्लस रूट अंडर रूट 196 लिखा है, अगर वो y माइनस रहता तो फिर उसका आंसर पॉजिटिव आता था, हाँ, अगर यहाँ पे देखो माइनस होता तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाता, प्लस हो जाता था, तो ये क्या हो जाता था, प्लस, तो आंसर क्या होता, x इज इक्वल टू y, ठीक है? Okay. अभी किसी को डाउट है रूट में? रूट का हमेशा याद रखो, हमेशा आंसर प्लस में ही आए। मैम क्यूब देंगे तो वो क्यूब लिखा होगा क्या, मतलब? हाँ क्यूब देंगे, क्यूब होगा या अंडर रूट 4 होगा, अंडर रूट 5 होगा, अंडर रूट 6 होगा, हमेशा लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये स्क्वायर रूट ही है,
मतलब अंदर जो वैल्यू है वो किसी ना किसी का स्क्वायर है, समझा? वो अलग है ना, ये वाला रूट है, वहां पे रूट था क्या? कहीं पे आपको रूट दिखा था? एक में भी आपको कहीं रूट दिखा था क्या? ऐसे ही था ना, ऐसे था ना, वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोई वैल्यू रहेगा किसी का स्क्वायर रहेगा, वैसा था, 16 था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 मान लेते, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 था, तो यहाँ पे रूट नहीं था ना, रूट में से कोई भी वैल्यू अगर आप बाहर निकालते हो, रूट में से बाहर निकालने के बाद क्या आएगा, 14 आएगा, बाहर निकाल रहे वैल्यू रूट में से, तब प्लस लोगे, लेकिन ये वाला अलग है ना, और ये वाला अलग है, जब भी आपको रूट दिखेगा, मैं बोल रही हूँ, जब भी आपको ऐसा दिखेगा, ये वाला दिखना चाहिए, ये वाला नहीं दिखता तब आप कोई भी अज्यूम नहीं कर सकते, ये वाला अगर दिख रहा है आपको, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट एक्स है, कोई भी है, तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पे रूट दिख रहा है क्या बताओ? अगर ये ऐसा होता ना, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16, तो आंसर क्या हो जाता? x इज इक्वल्स टू 4, प्लस 4 ही आता, कंपल्सरी प्लस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट दिख रहा है, समझा? x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 तो प्लस आएगा, लेकिन x स्क्वायर नहीं मैम ओके, x square equals to 16 दिखेगा तब आप क्या लिखोगे? x is equals to plus and minus 4, ये लिख के रखो, एग्जाम्पल लेके लिख के रखो, ताकि आपको हमेशा याद रहे x is equals to under root 16 होगा तो x is equals to plus 4 ही आएगा, माइनस कभी नहीं आएगा, लेकिन x square equals to 16 है तब क्या आएगा? प्लस माइनस, जो भी वैल्यू रहेगा उस सब के बारे में बता दो, ठीक है? यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, जिसका स्क्वायर है, किसी ना किसी का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस में ही आएगा वो हमेशा। लेकिन अगर क्यूब है, क्यूब है 27 समझ लो, ठीक है, किसी का क्यूब है तो हमेशा आंसर किस में आएगा? प्लस में ही आएगा, प्लस 3, ठीक है? एक मैम, हाँ बोलो मैडम, पण ते साइन होतं म्हणून आपण प्लस घेतलं ना, मायनस 3 होतं तिथे, मायनस 3, एक्स मायनस 3 ते असं होतं ना, हेच ना? ना मॅम, हे ना आता जे सम घेतलं ना आपण, ते क्यूब चे घेतलं ना, तर 3 च्या पुढे मायनस होत ना, 3 मायनस होत, क्यूब रूट के बात कर रहे, क्यूब रूट, अच्छा हां, क्यूब ची, क्यूब रूट चा आंसर काय येणार? प्लसच येणार ना, आपण ते मायनस साइन होत ना तिथे ऑलरेडी, इकडे का 2744 बरोबर, हो हो मॅम, 2744 कोणाचा क्यूब आहे? अरे ते ना मॅम, ती काय बोलतीये की क्यूब 2744 च्या पुढे मायनस होत, तर मायनस 14 का नाही घेतलं, प्लस 14 का घेतलं असं बोलतीये, एक्स इज माइनस, एक्स माइनस अंडर रूट क्या था बताओ, फिर से बताओ इक्वेशन क्या था? 2744 क्यूब रूट ऑफ 2744, यहाँ पे माइनस ही था ना? अच्छा, अंडर क्यूब रूट 2744 हेच ना, हो हे जे मायनस, क्यूब रूट आहे, 3 नाही आहे, क्यूब रूट कळलं मॅम, हा पण ते मायनस आहे म्हणून आपण प्लस घेतलं असं म्हणायचं होतं, नाही हा, अच्छा इथे मायनस आहे, मग इकडे जाणार काय होणार, प्लसच होणार ना, बोललो आता कळलं, डाऊट आहे काही? नाही डाऊट नाही, म्हणजे साइन नसलं तरी आपलं क्यूब रूट हे क्यूब रूट मध्ये आलं तरी आपला प्लसच होणार, म्हणजे इथे मायनस होता ना, इथे प्लस होता,
माइनस 196 आंसर का आलं माइनस 14 मैम बोलो जैसे एक्स स्क्वायर रहता है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी दिया ठीक है सपोज 16 दिया है तो हम क्या प्लस माइनस में वैल्यूज की लेते हैं और जब क्यूब दिया हो तो हम प्लस में अज्यूम करते हैं ठीक है बट अगर पहले 4 दिया हो तो फिर क्या लेंगे हम 4 मतलब उसके पहले क्या दिया है x का पावर दिया x रेस टू 4 पावर 4 अच्छा अच्छा तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस ही करेंगे तो भी प्लस माइनस ही होगा प्लस माइनस ही होगा मीन्स इफ क्यूब के केस में ऐसा सिर्फ वन वैल्यू अज्यूम करेंगे सिर्फ प्लस जब ऑड नंबर होगा ऑड नंबर 3 ऑड है 5 ऑड है मीन्स ऑड नंबर में हम प्लस अज्यूम करेंगे बाकी सब में हम प्लस माइनस लेंगे हाँ अगर देखो एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस 125 है तो आंसर क्या आएगा -5 एक्स क्यूब इक्वल्स टू प्लस 125 है तो आंसर क्या आएगा तो 5 आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81 है तो आंसर क्या आएगा प्लस माइनस ठीक है एक्स रेस टू 4 इक्वल्स टू 16 है तो क्या आएगा आंसर प्लस माइनस 2 प्लस नहीं हाँ प्लस माइनस 2 आएगा मैम एक्स रेस टू 4 है ना यस मैम और यहाँ पे अगर माइनस भी है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 81 तो भी आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 9 ओके मैम लेकिन अंडर रूट 121 है अंडर स्क्वायर रूट बोलो ठीक है तो आंसर क्या आएगा 11 प्लस 11 हमेशा याद रखो अगर यहाँ पे अंडर रूट 121 है और ये स्क्वायर रूट ही है लेकिन बाहर अगर किसी वजह से माइनस आया है तो हम क्या लिखेंगे माइनस इलेवन लेकिन अंडर रूट अंडर क्यूब रूट अगर है 256 ठीक है 256 है तो आंसर क्या आएगा बताओ क्यूब रूट अरे हाँ ये क्यूब लिखा है ना मैंने स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्यूब लिखा 729 चलो 729 मैम मजा चैट बॉक्स चेक करो मैम डाउट पूछा है 9 मैम 9 आएगा लेकिन प्लस 9 आएगा या माइनस 9 प्लस प्लस 9 लेकिन यहाँ पे है सेम अंडर रूट 729 और ये अंडर क्यूब रूट है लेकिन बाहर माइनस है ठीक है तो आंसर क्या आएगा माइनस 9 आएगा ठीक है अंडर रूट एक्स है कोई भी वैल्यू हो ठीक है यहाँ पे समझ लो अंडर रूट एक्स नहीं ऐसा दिया हो कोई भी वैल्यू हो ठीक है एक सेकेंड कोई भी वैल्यू हो 300 समझ लो तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा कोई भी यहाँ पे वैल्यू होने दो कोई भी वैल्यू अगर आपको रूट ये वाला साइन दिख रहा है तो हमेशा आंसर प्लस में ही आएगा ये माइनस क्यों होता है क्यों कोई वजह से या तो एक्स माइनस यहाँ पे गया तो माइनस हो गया यहाँ पे आया तो प्लस हो गया ये बाहर वाला अलग होता है ये बाहर वाला साइन है वो अलग होता है जैसे हम x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जाके तो प्लस हो जाए अगर x प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो है तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 9 वो ही यहाँ पे है यही साइन है इसका क्यूब और क्यूब रूट स्क्वायर रूट से कोई लेना देना नहीं है समझा अगर बाहर है तो हम लिख देंगे वो एज इट इज लिख देंगे हाँ बोलो रेणु
जैसे अगर ऐसा है x square is equal to root 121 तो उसमें क्या करेंगे फिर? क्या क्या फिर से बोलो। x square is equal to root 121 दिया हो तो भी प्लस अच्छा, आएगा या तो प्लस सबसे पहले क्या करोगे इसको बाहर निकालोगे। वीडियो पॉज हुआ है क्या? सबसे मैम वीडियो पॉज हुआ। पॉज हुआ? हाँ मैम अभी ठीक है। चालू हुआ अभी ठीक है। चलो देखो ये अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू 121 है इसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे डायरेक्ट नहीं करेंगे उसके बाद आंसर क्या आएगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 11। क्या आपको पता है 11. ये किसका स्क्वायर है? 11 किसी का स्क्वायर होता है ये तो अंडर रूट लिखना पड़ेगा समझा। ये वाला ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते डायरेक्ट नहीं दोनों के दोनों नहीं कर सकते डायरेक्ट पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा उसके बाद ही ये कर सकते तो ये पहले बाहर निकालोगे x is equal to 11 नहीं आएगा मैम आंसर? नहीं कभी नहीं क्योंकि ये क्यूब है ना ये स्क्वायर रूट में है ना और ये स्क्वायर अलग है ये अलग है दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता है हमेशा याद रखो दोनों सेम नहीं है इसीलिए प्लस 9 में क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे मैं प्लस क्यों लिख रही हूँ ये पहले बाहर निकालोगे ये वैल्यू नहीं है एक्चुअली इसको वैल्यू बनाना पड़ेगा ये अंडर रूट है इसको वैल्यू नॉर्मल वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा नॉर्मल वैल्यू बनाना पड़ेगा जैसे 11 ये अगर इसका ही मतलब क्या होता है अंडर रूट 121 इसका ही मतलब 11 होता है इन दोनों का मतलब सेम है तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 11 लिख दिया समझा। ओके मैम तो ये रूट में जो आंसर आएगा ये प्लस माइनस में आएगा या फिर प्लस में ही आएगा सिर्फ? ये वाला प्लस में ही आएगा इसका निकाला ही नहीं है ना हमने कुछ निकाला नहीं है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? स्क्वायर इक्वल्स टू 81 होगा तब निकाल सकते हैं ये ऑलरेडी अंडर रूट में है इसका वैल्यू नहीं आया तो हम प्लस माइनस कैसे करेंगे? ओके अगर इसका स्क्वायर होगा तो आंसर निकाल सकते वैसे आंसर निकाल सकते। हेलो मैम। हाँ बोलो बोलो मैम। मैम मैंने चैट में डाउट पूछा है। अच्छा एक सेकंड अच्छा शॉर्टकट स्क्वायर रूट क्यूब रूट का शॉर्टकट आप बोल रहे हो वैष्णवी? हाँ मैम। मतलब इतना बड़ा नंबर रहेगा तो ऑटोमेटिकली कैसे समझेगा कि ये किसका क्यूब है? आप मैं ना मैम को बता देती हूँ बेसिक लेक्चर जो है ना आपको फॉरवर्ड कर देंगे जो भी न्यू स्टूडेंट है ना उनको मैंने बेसिक लेक्चर शॉर्टकट बताया शॉर्टकट उसमें बताया मैंने तो वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे मैम ठीक है तो आप वो देख लेना एक बार उसमें आपको समझ जाएगा ठीक है वहां पे मैंने शॉर्टकट बताया। ओके ओके वैष्णवी। हाँ मैम अभी सबको क्लियर हुआ? मैम आपने वो वीडियो का नाम बेसिक मैथ बोला था ना? हाँ बेसिक ही है वो बेसिक कैलकुलेशन हो गया बेसिक हो गया एक्चुअली 3-4 लेक्चर्स हो गया उसका उसमें एलसीएम है स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है। हाँ बोलो। सपोज y का वैल्यू ना प्लस माइनस 9 है एंड x का वैल्यू माइनस 5 है आपने लिखा है ना उधर बोर्ड पे वही अच्छा ये सपोज y स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस 9 है अच्छा एंड x का वैल्यू क्या है x क्यूब का वैल्यू मतलब नीचे दिया है ना माइनस 5 ये हाँ तो मैं क्या करूँ मतलब तो उसका कंपेयर नहीं समझ रहा है मतलब कैसा आएगा x माइनस से कंपेयर x y से कंपेयर ये x माइनस तब तक नहीं आएगा जब ये आप हटाओगे नहीं ये पहले y का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस आएगा ना नो मैम वैसे नहीं हम लोग का मतलब कैसे y का वैल्यू मतलब वो y स्क्वायर है ना उसका ही वैल्यू प्लस माइनस में 9 आ गया एंड x का वैल्यू माइनस 5 नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है नहीं नहीं कंपेयर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे करने का नहीं 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 ऐसा आएगा ही नहीं ना आप जो बोल रहे हो ना कि y स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 कैसे आएगा नो मैम एक्चुअली वो ऊपर दिया है ना आपने सॉल्व करके 81 का स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 9 हां तो मैंने माइनस 9 लिखा है एक तो आप प्लस 9 बोलो या तो आप माइनस 9 बोलो दोनों में से कुछ तो एक बोलो दोनों एक साथ नहीं हो सकता उसका आंसर एक साथ आ सकता है
वही मेरे को बोलना है कि y का वैल्यू प्लस माइनस 9 एंड x का वैल्यू माइनस 5 है, तो उसको कंपेयर कैसे करने का x एंड y से, मतलब x ग्रेटर देन y और x लेस देन y, ऐसे मतलब कैसे कंपेयर करने का। अच्छा मुझे पहले बताओ y का वैल्यू क्या आएगा, आप ही बता दो y का वैल्यू क्या आएगा। प्लस माइनस 9, अच्छा मतलब y है प्लस 9 और y है माइनस 9, ठीक है यही बोल रहे हो आप। अच्छा पहले क्या करोगे, ये वाला जो है आपका वैल्यू माइनस 5 आया है और प्लस 9 आया, इस इन दोनों को कंपेयर करोगे, पहले इसको पहले वाले को कंपेयर करोगे ना, तो माइनस 5 और प्लस 9 में क्या बड़ा होगा बताओ। प्लस 9, प्लस 9 बड़ा होगा, ठीक है। तो ये साइन आ गया हमारे पास, ये बड़ा है ना ये वाला, तो ये साइन आ गया, ठीक है। आगे देखो माइनस 5 और माइनस 9 में बड़ा कौन सा वैल्यू होगा, माइनस 5, माइनस 5 बड़ा होगा, जो भी माइनस होगा माइनस में जो छोटा वैल्यू होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा। जब ये दोनों का दोनों साइन आ गया ना, कोई एक साइन नहीं है, दोनों का दोनों साइन आ गया, इसका मतलब क्या होता है, जो फिफ्थ ऑप्शन होता है x इज इक्वल्स टू y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड और सी एंड डी, ठीक है ये आएगा आंसर जब दोनों का दोनों साइन आएगा। अभी ठीक है, मैंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा समझा आपको सीएनडी कैसे आया, दोनों का दोनों साइन आया। अरे हो गया बराबर, ठीक है। अभी पॉज हो रहा है क्या? नहीं मैम, अटक अटक क्या रहा है, अटक अटक क्या रहा है। समझा आपको सीएनडी कैसे आया? हाँ मैम समझा। अच्छा और किसी को डाउट है? वीडियो ब्लर है, ब्लर हो रहा है, नेट का प्रॉब्लम होगा शायद। अभी ब्लर है क्या? अभी भी ओके है मैम। ये रब कर दूं? आप ये लिख लोगे तो आपके लिए अच्छा है, जिनको लिखना लिख सकते हैं, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैम से स्क्वायर रूट 121 इज इक्वल टू 11 से माइनस स्क्वायर रूट 121 इज इक्वल टू माइनस 11 होणार ना? हे ना नाही ते खालचं खालचं स्क्वायर रूट 121 मॅम प्लस 11 माइनस माइनस इकडे असेल तर माइनस घेणार, प्लस आहे तर प्लस तर माइनस। ओके हां वैष्णवी आपका ब्रांच कौन सा है? घाटकोपर डोंबिवली कौन सा है? मैम घाटकोपर। ओके ठीक। चलो रफ कर दूं, लिखना बाकी है, रफ कर दो। चलो ठीक।
बादल नेक्स्ट क्वेश्चन x क्यूब इज इक्वल टू 729 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 140 हेलो बताओ एनडी मैम सीएनडी एनडी सब लोग बताओ सबका आना सीएनडी ओके सेवन ट्वेंटी नाइन किसका क्यूब है नाइन नाइन का तो प्लस माइनस नाइन लिख दूं सिर्फ प्लस अच्छा और वाई स्क्वायर का क्या लिखूं प्लस लिखूं प्लस माइनस प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व अच्छा प्लस नाइन और प्लस ट्वेल्व में बड़ा कौन सा होगा प्लस ट्वेल्व बड़ा होगा प्लस ट्वेल्व और माइनस ट्वेल्व में बड़ा कौन सा होगा प्लस नाइन प्लस नाइन बड़ा होगा तो ये दोनों का दोनों साइन आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा सीएनडी सीएनडी हाँ बोलो हेमंत इसे प्लस 12 माइनस 12 में क्यों लिया था समझा नहीं रहा ये किसका स्क्वायर है 144 का है ना वो 144 किसका स्क्वायर है 12 का है तो आंसर तो 12 आएगा ना और प्लस माइनस होगा तब क्या होगा प्लस और माइनस दोनों का दोनों आएगा 12 का स्क्वायर है 144 इसलिए लिया और ये जो 729 है वो 9 का क्यूब है इसलिए 9 आया क्योंकि यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर का क्या हो जाता है प्लस माइनस दोनों हाँ मैम मतलब 144 में प्लस सिर्फ 12 भी तो लिख सकते थे ना 2 माइनस 2 नहीं लिखेंगे अभी क्या बोला था मैंने जब भी स्क्वायर आए तो आप क्या लिखोगे दोनों का दोनों साइन लिखोगे जब आप y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा प्लस माइनस दोनों में आएगा यहाँ पे कोई भी वैल्यू होने दो यहाँ पे कोई भी वैल्यू होने दो मतलब मैम सिर्फ स्क्वायर का ऐसा होगा ना हाँ स्क्वायर का होगा सिर्फ स्क्वायर का होगा क्यूब का नहीं होगा क्यूब का डायरेक्टली प्लस में ही आएगा वो अभी जो लिख के दिया था वो इसीलिए लिख के दिया था मैंने अच्छा ओके मैम समझा समझा हेमंत समझा क्या हुआ स्क्वायर से निकलता है अगर स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो पॉजिटिव होता है ना स्क्वायर में नेगेटिव होगा मतलब माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12 इनटू माइनस 12 इज इक्वल टू 144 पॉजिटिव होता है ना पॉजिटिव हो जाएगा मतलब आपने लास्ट लेक्चर का बोला अच्छा याद है मतलब चलो अच्छा है हां सर हां मैम याद चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ हो गया इतना ही था मैम अभी पॉइंट वाला देखते हैं 3x² माइनस 8x प्लस वीडियो पॉज हुआ क्या फिर से अभी देखता हूँ 3y² माइनस 19y प्लस 28 इक्वल्स टू 0 चलो बताओ एडिशन 8 होना चाहिए ऐसा दो फैक्टर जिसका एडिशन 8 होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन 48 होना चाहिए 16 × 3 = 48 और यहाँ पे भी सेम होगा जिसका एडिशन 1919 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 28 × 3 ऐसा दो फैक्टर्स निकालोगे आप CND आ रहा है यहाँ पे पॉइंट में आ सकता है आपका आंसर पॉइंट में कंपेयर करना पड़ेगा
सीएनडी है, सीएनडी आ रहा है। अच्छा देखते हैं हमारे पे ना का सीएनडी मैम, सीएनडी ओके। सीएनडी मैम, सीएनडी मैडम। सीएनडी मैम, सीएनडी आ रहा है। अच्छा फैक्टर्स क्या आ रहा है बताओ, यहाँ पे फैक्टर्स क्या आ रहा है? सर कैसे आया फिर? जब यहाँ पे चेंज माइनस होना चाहिए, प्लस नहीं होगा, दोनों का माइनस एक। मैं आपका ध्यान है मैम, था ध्यान क्या उधर माइनस? हाँ यहाँ पे माइनस है, हाँ यहाँ पे माइनस है, प्लस अरे आएगा क्या प्लस से? देखो एडिशन एट होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 48 हो सकता है पॉसिबल। देखो एडिशन एट हो सकता है, माइनस एट हो सकता है पॉसिबल, दोनों का एडिशन इसलिए माइनस आ रहा है। मैम हमें ना अभी साइन पे ध्यान नहीं जाता, हम डायरेक्ट ना फैक्टर्स निकल के आंसर पे ध्यान देते हैं। हाँ वो ही इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे हो जाए। मैम सेकेंड इक्वेशन भी तेज है ना, मतलब माइनस 28 होगा ना वहाँ पे भी? नहीं यहाँ पे एड ही है, यहाँ पे एड। ओके ओके ओके, सीएनडी आ रहा है मैम, सीएनडी। अच्छा कौन है वो? बच्चे को मत लो साइड में, ध्यान नहीं जाएगा आपका। मेरे साथ ही रहती है वो स्टडी करते वक्त मैम। सबका सीन भी आ रहा है। कितना हो जाएगा? 48 का ऐसा दो फैक्टर्स जिसको माइनस करेंगे तो आंसर 8 होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 4 होता है 48 और 12 माइनस 4 8 हो जाता है, और माइनस माइनस का क्या होगा? प्लस एंड माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू, मैम 8 के बाजू में माइनस है तो माइनस होने पे आना चाहिए। क्या क्या यहाँ पे ना? हाँ तो दोनों का माइनस होना चाहिए 8। अगर यहाँ पे प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस है, एडिशन 19 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो गया है ना। वीडियो मैम, वीडियो पॉज हो गया, वीडियो पॉज, पॉज हो रहा अभी। ठीक है हाँ, पॉज नहीं है ना? नहीं नहीं, चलो
यहाँ पे 12 एंड 4 आया है, इसको नहीं भूलना है, इसको नीचे लेना ही है, 3 और 3, ठीक है, दो फैक्टर्स आ गया। यहाँ पे देखो 28 into 3, या तो 28 into 3 लिख दो यहाँ पे, इन दोनों का, इनका दो ऐसा फैक्टर जिनका जिनका एडिशन क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, 7 84 ना, मल्टीप्लीकेशन 84 ही आएगा, 84 है, हाँ एडिशन 19 होगा। यहाँ पे देखो 12 7 नीचे क्या आएगा, 3 आएगा, दोनों में 3 नीचे आएगा, और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस एंड प्लस, लेकिन इसको डिवाइड अगर करेंगे तो ही कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, डिवाइड करेंगे पूरा का पूरा मत करो। देखो यहाँ पे 3 into 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली 4 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 point something आ रहा है, ठीक है, 1 point something आ रहा है, पूरा तब तक मत करो जब तक सेम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, सेम 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 into 2, 2 point something आ रहा है, 2 point आ रहा है, ठीक है, प्लस 4 और प्लस 4 में दोनों का दोनों सेम है, प्लस 4 और प्लस 2 में प्लस 4 बड़ा है, माइनस 1 एंड प्लस 4 में प्लस 4 बड़ा है। जैसे ही ये दो साइन दिखेगा हम क्या कर देंगे, सी एन डी, आगे जाएंगे ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सी एन डी कर देंगे। मैडम ते पॉइंट च्या पुढे लिहिले माइनस बी माइनस 1 कसे आहे, माइनस 1 डिवाइड किया ना, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 3 into 1, ये पॉइंट है, उसके बाद, इसके बाद क्या आएगा, ओके ओके समझा, पूरा डिवाइड नहीं करोगे, करो कर दोगे तो भी चलेगा, पूरा डिवाइड, मैम डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों का वो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो जरूरत ही नहीं ना, तो भी तो वही आएगा ना, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि ऊपर के वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड है ना, नीचे का अगर भले सेम है सब, लेकिन ऊपर का वैल्यू के ऊपर डिपेंड है ज्यादा। क्या मैम, हाँ ऊपर का वैल्यू भी डिपेंड है ना, ऊपर का जो लिखा है, और माइनस प्लस भी डिपेंड है, माइनस प्लस के ऊपर भी डिपेंड है, हाँ मैम, नीचे भले 3 है लेकिन ऊपर का वैल्यू अलग अलग है और प्लस माइनस भी है। हाँ तो न्यूमरेटर के बेस पर हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब साइन क्या होगा, ग्रेटर है लेसर है जो भी है। मान मगाशी तुम्ही तिथे प्लस घेतला असं येणारच नाही ना, हाँ प्लस मगाशी तुम्ही नाही का 8x + 16 घेतलं होतं, तेव्हा ते फॅक्टरच निघत नव्हते, हा हा नाही फॅक्टर नाही येणार, तसं येणार नाही ना, नाही येणार तसं फॅक्टर नाही येणार, मग आपण आन्सर कसं काढणार। विदाउट साइन से आंसर निकाला था, हाँ विदाउट साइन से आंसर निकाला था, सीएनडी आया था विदाउट साइन से, विदाउट साइन से आपने फैक्टर यही लिया होगा ना फिर, हाँ यही लिखा था, हाँ तो ये कैसे आएगा, इसके ऊपर ही डिपेंड है ना, क्या दोनों का एडिशन 12 + 4 आगे ही नहीं जा रहा है, आगे नहीं जाएगा ना, 12 + 4 = 8 नहीं होता है, 12 - 4 = 8 होता है, माइनस वहाँ पे प्लस, हाँ वहाँ पे माइनस ही होना चाहिए, वैसे आपने निकाला क्योंकि वो जबरदस्ती वाला हो गया फिर। मैम एग्जाम में तो ऐसा नहीं आएगा ना, नहीं 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 कभी नहीं आता एग्जाम में, जब तक दो फैक्टर्स नहीं निकाल सकते आंसर कैसे निकालेंगे एग्जाम में, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे, वो गलती से हो गया था, ओके जबरदस्ती नहीं निकालने का। अभी रूट वाला लेते हैं क्या, बताओ, यस मैम, यस मैम, चलो ठीक है ले लो, बादल को कुछ भी चलेगा, 4 / √x,
प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू फाइव अंडर रूट एक्स. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद सेकेंड यहाँ पे लिख देती हूँ, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 256 इक्वल्स टू अंडर रूट 625. चलो ये दूसरा क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये दोनों सेम ही है. ये x का है ना और ये y का वैल्यू है. आपको कंपेयर करना है x और y. एक्चुअली रूट वाले जो है ना क्वेश्चंस वो प्रीलिम्स में नहीं आएंगे. अगर आपको आ सकता है तो वो मेंस में पूछ सकते हैं. सीएनडी मैम, सीएनडी आ रहा है. एक सेकेंड, सीएनडी सही है. ओके. और किसी का है बताओ. सबका सी एंड डी आ रहा है. ओके देखो, नीचे देखो, नीचे का वैल्यू जाने दो. पहले देखो कि दोनों का दोनों सेम है क्या. जैसे यहाँ पे देखो अंडर रूट एक्स है, यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स है. दोनों का दोनों सेम है. जब भी नीचे का वैल्यू दोनों का दोनों सेम होता है तब क्या होता है, ऊपर का जो भी वैल्यू होगा उसका एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, जैसे भी साइन है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 6. और ये दोनों का दोनों सेम है, हम क्या करेंगे, एक ही बार लिख देंगे. इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 √x एज इट इज आएगा. अभी 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10. ठीक है, इक्वल्स टू. अभी यहाँ पे देखो रूट एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स है. जब भी हम अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, एक्स आ जाएगा. अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स. तो यहाँ पे देखो अंडर रूट एक्स है, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब क्या हो जाएगा, 5 √x इंटू रूट एक्स हो जाएगा. 10 इक्वल्स टू 5 √x इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स. तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 2 आ जाएगा, प्लस 2. यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा. अभी यहाँ पे देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू 256 किसका स्क्वायर है, ये वाला एक बार थर्ड लाइन. हाँ हाँ देखो, जब भी ना देखो यहाँ पे क्या किया, दोनों का एडिशन कर दिया. 6 + 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स इक्वल्स टू ये जो था एज इट इज लिख दिया. अभी इसका तो ये मल्टीप्लाई ही होगा ना हमेशा, ये वाला जो वैल्यू होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है. तो क्या हो जाएगा, 5 √x इंटू रूट एक्स हो जाएगा. वही मैंने यहाँ पे लिखा है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, हमेशा एक्स ही हो जाता है. जब रूट एक्स और रूट एक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब हमारा वैल्यू क्या आता है, एक्स आता है. तो यहाँ पे देखो 10 इक्वल्स टू 5 √x इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, समझा? चलो, हाँ, तो ब्रैकेट में लिखा था तो मुझे पास आता है. नहीं, अलग अलग है. यहाँ पे देखो 16 का स्क्वायर है 256, 16 और ये 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है 625. वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आएगा. तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, प्लस 9 प्लस माइनस 3 प्लस 3 नहीं 3
प्लस थ्री माइनस थ्री दोनों आएगा क्योंकि y स्क्वायर है, y स्क्वायर का वैल्यू 9 आया है तो y का क्या आएगा, एक तो प्लस माइनस आएगा, दूसरा एक इसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 आएगा प्लस 3 माइनस 3। प्लस 2 प्लस 3 में क्या बड़ा होगा, प्लस 3 बड़ा होगा, प्लस 2 माइनस 3 में क्या बड़ा होगा, प्लस 2 बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एन डी, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। किसी को डाउट है? नो मैम, नो मैम। हमेशा याद रखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स आएगा ना, तो आपका आंसर जब भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है तब हमेशा एक्स ही आता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स ही होगा, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा। रफ कर दूं, हो गया? यस मैम, यस मैम। अंडर रूट 1225 एक्स स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में है, प्लस अंडर रूट 4900 इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे है 81 रेज टू 1/4 वाई प्लस 343 रेज टू 1/3 इक्वल्स टू जीरो। मैम ये 1/4 सेकंड वाले में है ना? हाँ ये अलग है, ये 1/4 अलग है, वाई में वो। वाई इज ग्रेटर देन एक्स, अच्छा ठीक है। और किसी का आया? I'm sorry, sorry, ma'am. X is greater than y. X is greater than y आएगा ma'am. X is greater than y. अच्छा, एक स्टूडेंट ने बोल दिया x y is greater than x two, बैठ गया। नो मैम वो रॉन्ग था, ये राइट है क्योंकि इसका रूट 35 में आ रहा है ना, तो एक्स का ये ग्रेटर आएगा, वाई का जो है वो स्मॉलर आएगा। अच्छा अभी आ रहा है सबका आंसर, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके
चलो बता दूं, 1225 ये अंडर रूट में है पूरा का पूरा, x स्क्वायर भी अंडर रूट में ही है। अभी इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1225 किसका स्क्वायर है, 35 का, 35 क्या होगा, x स्क्वायर, x हो जाएगा ना, x स्क्वायर कैसा होगा, ये x स्क्वायर को बाहर निकाल रहे तो x हो जाएगा, मतलब इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे, तो ये किसका स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर, 1225 x का स्क्वायर, x स्क्वायर ये बाहर निकाल दिया तो क्या आया, 35x आएगा प्लस 4900 किसका स्क्वायर है, 49 7 का है तो 4900 किसका हो जाएगा, 70 का, 70 प्लस 2 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, 35x equals to minus 70, x equals to क्या होगा, minus 70 divided by 35, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन टू होता है माइनस टू, माइनस टू हो जाएगा x का वैल्यू, क्योंकि 35 इंटू टू क्या होगा, 70 होगा, ये मिल गया x का वैल्यू माइनस टू। अभी देखेंगे y का, ये जो 1/4 है, 1/3 है, इसका ही मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 81 बाहर आएगा y, ये सेपरेट है ना, y बाहर आएगा प्लस 343, मतलब ऊपर क्या है, 3 है तो रूट में क्या लिख देंगे, 1/3 कहाँ से आया, 1/3 ये वाला, हाँ वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही वैसा है, वो मैंने नहीं कुछ किया, वो क्वेश्चन ही वैसा था। अभी देखो ये किसका रेस टू 4 है वो निकालना है, क्योंकि ऊपर देखो 1/4 दिया था ना, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 4, ऊपर 1/3 है, अंडर रूट 3 लिख दिया, क्योंकि मैं नहीं समझा, मुझे ये मैंने क्या किया, मैंने आंसर नहीं निकाला अभी तक, ये वाला क्वेश्चन है ठीक है, मैंने क्या लिखा, अंडर रूट में 4 लिख दिया, इसका ही मतलब। अभी देखो अगर 9 रेस टू 1/2 है, यानी कि 1/4 को हम लोग अंडर रूट 4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, वैसा ही होता है, मीनिंग ही है उसका, मीनिंग ही है। अगर देखो 9 रेस टू 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9, समझा, जो भी ऊपर दिया है ना उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, उतना ही डिफरेंस है। तो ये देखो ये जो 81 है वो किसका रेस टू 4 है, बताओ, 3 into 3 करेंगे तो आंसर आएगा 81, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो 3y आएगा ये आंसर, क्योंकि y तो as it is रहेगा, y को कुछ नहीं करेंगे, प्लस 343 किसका, मैडम एकदम परेशान ना, 3y, अच्छा 3 into 3 into 3 into 3 कितनी होना, 81, अंडर रूट का है 4 है ना, आंसर का है ना, ये ना 4 टाइम्स 3 के लिए तो मल्टीप्लाई कितनी है, 81 क्या बोल रहे थे मैडम, 4 times 4 ना है ना, मुझे 3 times 3 के लिए, 4 times 3 ना, 4 times 3 अंडर रूट कितनी है 4 है ना, 4 times 3 ओके कर लगा, हम 3 का केला, 3 into 3 किती येणार, 81 येणार ना, तेच 81 इकडे, अच्छा ते 81 येण्यासाठी केलं, हां 81 येणार, अच्छा 343 किसका क्यूब है, 7 सर इक्वल्स टू 0, 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -7 y equals to -7 divided by 3, y equals to -2.2 आएगा, ठीक है 2.3 लिख देते, 3 आएगा, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू आया तो एक ही वैल्यू कंपेयर करेंगे, -2 और -2.33 में बड़ा कौन सा होगा, -2 बड़ा होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x is greater than y।
अभी किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। मैम एग्जाम में यही लेवल के क्वेश्चन रहेंगे कि इससे भी टफ? नहीं नहीं नहीं, इससे इससे इजी आएंगे, टफ नहीं आएंगे। एक्चुअली ये जो मैं ले रही हूँ ना वो मेंस वाला, मेंस में आता है वैसे, इससे टफ नहीं आएगा ये। अगर आपको आता है रूट वाला, एक्चुअली ये जो है वो प्रीलिम्स में ही आता है और उसमें इजी क्वेश्चंस ही होगा, लेकिन मेंस में भी कभी कभी आने का चांस है। वो 3-4 मार्क्स के लिए आ सकता है मेंस में, तो वो 3-4 मार्क्स के लिए वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये सब आ रहा है तो आप वो आराम से कर लोगे, क्योंकि प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स में इजी वाला क्वेश्चन आता है, बहुत इजी होता है, आराम से कर सकते हैं। जो एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, वैसा वाला जो है ना, वैसा वाला आता है प्रीलिम्स में, बहुत इजी होता है। x equals to under root 3136 और y square equals to 3136। अगर आप ये बताओगे तो मैं समझ जाऊंगी आपको square और cube का डिफरेंस जो था वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का दोनों वैल्यू सेम है। मैम CND है। अच्छा ओके मैम, ये ना स्क्वायर वगैरह नहीं करना पड़ेगा क्या? क्या वो मतलब स्क्वायर तो निकाल लेते, फिर भी रूट वगैरह नहीं करना पड़ेगा मैम? लेस देन इक्वल, लेस देन x इज लेस देन x is greater than बादल आपका क्यों आया CND? मुझे वैसे आंसर पता नहीं है, देखते हैं। ग्रेटर देन है इसका स्क्वायर रूट है ना, तो प्लस में आएगा माइनस में आएगा या प्लस माइनस में आएगा? प्लस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 56, क्योंकि 56 का स्क्वायर है 3136। x का वैल्यू आया प्लस 56, अभी y स्क्वायर इक्वल्स टू 3136 है, तो y स्क्वायर का जो भी y का वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 56 होगा, यहाँ पे प्लस होगा 56 एंड माइनस 56। ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों का दोनों सेम है मतलब इक्वल आएगा, ये प्लस है ये माइनस है मतलब ग्रेटर ये होगा, तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एक्स एंड वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, मतलब आपका क्लियर हुआ है। चलो अच्छा है मैम, अगर समझो किसी का स्क्वायर पता नहीं रहेगा तो कैसे समझ लेगा कि कौन सा नंबर का नियर बाय स्क्वायर दे सकता है? हाँ मे बी वो समझ के चला था, तो मैंने एक बार 36 का निकाला, 46 का निकाला, 56 का निकालते निकालते किसी ने बता दिया था। अच्छा नहीं नहीं वैसा नहीं है, मैंने 40, आप ऐसे क्यों, बेसिक लेक्चर नहीं देखा आपने? 41 टू 60 का मैंने बताया स्क्वायर, ये टाइम पास के लिए बताया था मैंने,
किसके लिए बताया था? मैंने नहीं देखा मैम। आप बहुत पहले मैंने भी नहीं देखा संतोष। नहीं देखा मैम, अभी देखता हूँ मैम। आपने देखा था ना बेसिक का लेक्चर? नहीं मैम, मेरे को 15 दिन ही हुआ है ज्वाइन हुए। मैंने भी नहीं देखा मैम लेक्चर। तो बेसिक का लेक्चर देख लो, ये आपको समझ जाएगा। 41-60 का मैंने ट्रिक बताया है, ठीक है? वो समझ जाएगा, ये आपको आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मतलब 40 तक स्क्वायर याद करने का, फिर उसके बाद 41-60 आराम। 41-60 का आपको आ जाएगा। ज्यादा इतना मतलब 100 तक करने का जरूरत नहीं है। 1-60 करोगे ना स्क्वायर तो भी बहुत है मैम, बहुत 60 भी बहुत ज्यादा है। नहीं 41-60 का मैंने ट्रिक बताया, आपको बाहट करना ही नहीं है, आपको बस ट्रिक देखना है, आपको फटाक से क्लिक हो जाएगा। ट्रिक देखना है, सिर्फ देखना ही है, देखने से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आज दोपहर को लेक्चर ही लो ना। नहीं वो देखो पोर्शन भी बाकी है ना। अच्छा बेसिक का लेक्चर देखने में आपको क्या प्रॉब्लम है? वहां पे ये वाला बहुत, ये देखो स्क्वायर रूट भी बताया मैंने, स्क्वायर रूट भी बताया, क्यूब रूट भी बताया, कैसे फाइंड आउट करना है, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको पता है। अच्छा उसका एक बार, चलो अभी बेसिक का लेक्चर ले लूंगी मैं। फिर भी आप एक काम करो, बेसिक का लेक्चर जो यूट्यूब पे है अपलोड किया हुआ वो एक बार देख लो, फिर से मैं थोड़े दिन के बाद बेसिक का लेक्चर ले लूंगी, उसमें मैं स्क्वायर का भी बता दूंगी। मैम आज देख लेंगे हम। हाँ आज देखेंगे मैम। हाँ देखो देखो ही देखो ही, आज देखना ही चाहिए। देखो मैंने उसमें एलसीएम का बताया है, हाँ मैं बता रही हूँ मैंने क्या बताया। देखो एलसीएम का बताया मैंने, 41-60 का एक ट्रिक बताया, वहां पे आपको स्क्वायर बाहर करने का कोई जरूरत नहीं है। 41-60 का आप फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजी है ट्रिक, वो आपको समझ जाएगा। वहां पे मैंने एलसीएम बताया है, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला बताया, मतलब फॉर्मूला मतलब मेथड, शॉर्ट ट्रिक, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों का बताया। तो वहां पे आप देख लो स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक बताया। इसीलिए मैंने बोला उसका बेसिक लेक्चर मैं ले लूंगी थोड़ी देर के बाद, ठीक है? हाँ इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ी दिन के बाद मैं बेसिक का लेक्चर फिर से बताऊंगी, ले लूंगी मैं, ठीक है? उसमें मैं स्क्वायर का भी बता दूंगी। ओके बादल ने लिंक शेयर किया। अच्छा पता नहीं वो आपका दिखा, इसके लिए मैंने डाल दिया। ओके ठीक है, देख लो सब लोग एक बार देख लो, जो भी न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने नहीं देखा है सब देख लो। संतोष आप तो ओल्ड हो, आपने नहीं देखा अभी तक। मैम आप कुछ बोल रहे थे? हाँ वो ने मैंने लिंक पे क्लिक किया था ना, वो वॉच लेटर में डालने के लिए, तो सिर्फ इतना सुना संतोष से कुछ। चलो ठीक है, डिंपल ने भी भेजा था कुछ। स्पीड टाइम डिस्टेंस का मैंने होमवर्क दिया था, पता है ना? यस मैम। वो बता दो मुझे कल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भेजा था, जो एक्चुअली डिंपल आपने जो भेजा है ना वो वैसा वाला बहुत कम आता है एग्जाम में, आपने बहुत। चलो ठीक है, x square minus 25 equals to 0,
4y स्क्वायर इक्वल्स टू 24y माइनस 35। चलो सॉल्व करो इसको। I answer 4y square equals to 24y minus 35. Second one. समझत नहीं है फोर्टीन नहीं समझ रहा है। क्यों नहीं समझ रहा है? माइनस 24 वाई प्लस 35 इक्वल्स टू जीरो। मैम उसका फ्रैक्शन नहीं आ रहा, उसका 27 आ रहा है। 140 आता है इसका आंसर। नहीं टोटल 140 आ रही है। फ्रैक्शन जो हम 24 निकालेंगे ना, ये 24 फ्रैक्शन नहीं आता। ऐसे क्यों कर रहे हो? 7 और 5 होगा ना इसका। हाँ ऐसा किया। 2 एंड 2 7 into 2 14 और 5 into 2 10 नहीं आ रहा है क्या मैम? लेकिन तो 4 से इनटू करना पड़ेगा ना पहले। 4 से मल्टीप्लाई करो। देखो मैंने पहले भी बोला था मल्टीप्लाई करोगे तो भी आएगा, या तो सेपरेट सेपरेट लिखोगे तो भी आएगा आंसर। दो फैक्टर्स आने से मतलब है कैसे भी करो। x less than y, x is less than y। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 into 5 किया। 7 into 5 कितना होता है? 35 होता है। 4 का मतलब क्या होता है? 2 into 2। तो दोनों को सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो 35 into 2 समझ गया। x is greater than y आ रहा है, x less than y cnd आ रहा है मैम। cnd मैम x का वैल्यू प्लस माइनस 5 है और इसका 3.5 और 2.5 है तो लेस होगा ना, cnd होगा सर। डिवाइडेड बाय 4 हां तो 3.5 और 2.5 है ना। 3.5 2.5 अच्छा चलो देखते हैं। x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस है, यहां पे जाके प्लस होगा मतलब प्लस 25 हो जाएगा। लेकिन आंसर में क्या होगा? माइनस प्लस दोनों हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5 ये हो गया। अब मैं यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है इसको बना दिया इक्वेशन, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो 7 इंटू 5 है ना, मैंने क्या किया दो फैक्टर्स निकाला 7 इंटू 5। इसका 4 है, इसका 2 निकाला। 7 इंटू 2 कितना होगा? 14। 5 इंटू 2 कितना होगा? 10। क्योंकि हमें एडिशन यहाँ पे 24 चाहिए। एडिशन 24 देखो दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, मतलब सही है ये हमारा। माइनस प्लस, माइनस प्लस का देखो क्या होता है, प्लस एंड प्लस यहाँ पे होगा, प्लस एंड प्लस डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा दोनों के नीचे। 2 से डिवाइड होगा या तो डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा। 2 इंटू 2 और 2 इंटू 7 हो जाएगा।
टू इंटू टू फोर और टू इंटू फाइव टेन होगा। अभी देखो सेवन डिवाइडेड बाय टू कितना आएगा, 3.5 आएगा आंसर, और फाइव डिवाइडेड बाय टू कितना आएगा, प्लस 2.5 आएगा। ये दोनों को दोनों प्लस है, प्लस फाइव प्लस 3.5, प्लस फाइव बड़ा होगा, प्लस फाइव प्लस 2.5 अगेन प्लस फाइव बड़ा होगा, माइनस, और ये दोनों का दोनों क्या है, प्लस है, तो प्लस तो बड़ा ही होता है माइनस से, क्या आ रहा है, सी एन डी आना चाहिए, आंसर होगा सी एन डी। एक्स इज ग्रेटर देन आ रहा था आपका, मेरा लेस देन आ रहा था, मैंने वो डिवाइड बाय 4 किया ही नहीं। अच्छा मेरा सी एन डी आया था मैम, लेकिन बहुत लोगों का ग्रेटर देन भी आ रहा था मैडम, ते इनटू करून पण केलं असतं ना आपण। हां आंसर ते आंसर 14 आणि 10 च येणार, दोन्ही फॅक्टर्स येणार 14 आणि 10 च येणार। अभी इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। टिंपल आपको क्लियर हुआ? यस मैम। चलो रख कर दूं ये फिर। यस मैम। यस। और एक रूट वाला है, चलो करते हैं। नाइन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 19 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई रेस टू फाइव माइनस 2 इंटू 14 रेस टू 11 बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 0। चलो ठीक है, देखो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ये जो लिखा है बहुत कम आते हैं, बहुत रेयरली आएंगे आपको, आना भी चाहिए। हाँ ये बारी वाला ही नहीं आ रहा, कैसे सॉल्व करना है ये वाला ना? नहीं आ रहा है। रूट 22 28 आएगा तो 2 कैसे आएगा, क्या क्या 2 28 आएगा। हाँ ये 28 हो जाएगा, 14 इनटू 2 28 रेस टू 11 बाय 2 उसको कैसे उधर ही अटक गया, 2 रूट 28 आएगा ना अपॉन। नहीं 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 वैसे मत करो, वैसे मत करो, वैसे एक्चुअली मतलब गलत नहीं है, लेकिन उससे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आंसर। चलो मैं बता दी, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा 19 प्लस 9 कितना होता है 28 डिवाइडेड बाय एक ही बार लिखेंगे अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स, तो रूट एक्स इनटू रूट एक्स क्या होता है एक्स, सो एक्स इक्वल टू 28। अच्छा
एक्स इक्वल्स टू आएगा 28, ये हो गया। अभी इसको देखो, वाई रेस टू फाइव है, मैंने लिख दिया वाई रेस टू फाइव, माइनस 14 इंटू टू है 28 रेस टू 11 बाय टू, अंडर रूट यहाँ पे आएगा, सॉरी डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई इक्वल्स टू जीरो। अभी देखो ये इंटू होता है ना, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय नहीं है, तो यहाँ पे इंटू होगा, मतलब वाई रेस टू फाइव इंटू वाई रेस टू वन बाय टू लिख सकती हूँ मैं, लिख सकती हूँ क्या? गलत नहीं है ना उसमें कुछ, माइनस 20 क्या हुआ? ये इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो, हाँ वो समझा था लेकिन ये जस्ट उसका उल्टा है ना। हाँ उल्टा किया मैंने, 1/2 का क्या लिखते हैं, अंडर रूट वाई लिखते हैं ना, तो अंडर रूट वाई का 1/2 लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ दोनों का मतलब सेम ही है, वैसे क्यूब रूट का भी वैसे होता है, अंडर रूट अगर यहाँ पे y रेस टू 1/3 है तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा, वो ही लिखा मैंने। अब जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है ना नीचे, जब भी सेम होगा यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा, अभी बताओ a रेस टू m इंटू इंटू a रेस टू n क्या होता है, a रेस टू m प्लस n होता है, मतलब a रेस टू m इंटू ए रेस टू एन का मतलब क्या होता है, ए रेस टू पावर एन प्लस एन, ठीक है, ये है एक्स रेस एक्स इज इक्वल टू वाई। अच्छा रुको देखो ये क्या हो जाएगा फिर, फाइव प्लस वन बाय टू होगा ना, क्योंकि एम प्लस एन, एम प्लस एन लिखा है मैंने, फाइव प्लस वन बाय टू ये माइनस है, यहाँ पे जाके क्या होगा 28 रेस टू 11 बाय 2 हो जाएगा, एज इट इज लिखा मैंने, बस यहाँ पे लिखी गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, एक सेकेंड देखते फाइव इंटू टू कितना होगा, 10 होगा, प्लस 1 कितना इक्वल आएगा 11 बाय 2, यहाँ पे क्या हो रहा है 28 रेस टू 11 बाय 2, तो आंसर क्या होगा y रेस टू 28, क्योंकि ऊपर जो है 11/2 है दोनों का दोनों कैंसिल होगा और आंसर आएगा y रेस टू 28, y इक्वल्स टू 28 इक्वल होगा, मतलब सी एंड डी x इज इक्वल्स टू y। अभी पूछो किसी को डाउट है इसमें? देखो जब भी आपको ऐसा इक्वेशन आएगा ना ऐसे टाइप का, तो आपको ऐसा ही होगा जहां पे लास्ट होगा ही, या तो प्लस माइनस करके दोनों का दोनों सेम होगा, ऐसा ही आपको यहाँ पे देंगे क्वेश्चन में। ओके ये भी एक बार लिख लो ताकि आप बाद में ना बोलो, नीचे का जब भी सेम होता है तब ऊपर का क्या होता है, एडिशन हो जाता है। और डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस होगा ना, माइनस होगा, डिवाइड होगा तो माइनस होगा, यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैम ये कितने मार्क्स का है इतना बड़ा? ये वाला एक्चुअली मैंने बोला ना ये वाला बहुत रेयरली आएगा आपको, बहुत कम आएगा, ये ज्यादा नहीं आता एग्जाम, एग्जाम में आधा घंटा लग जाएगा। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, एक मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, एक मिनट से भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ये ऐसे मेंस में पूछ सकते हैं, वैसा मेंस में एक्चुअली अभी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस, फिर भी कभी अगर पूछ लिया तो कर सकते हो आप, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये दिख रहा है बड़ा कुछ भी नहीं है इसमें, जब आप सॉल्व करोगे धीरे धीरे समझ में आएगा, आपको फॉर्मूला पता है ना, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एम प्लस एन होता है,
तो आप कर लो आराम से। मैडम हाँ मैडम अग्रवाल है ना फोटो आहे आर एस अगरवालचा चालेल का मॅडम मेरे पास आहे ना सेंड पाहिजे Y29 क्या लिखा नहीं समझ रहे मुझे डिम्पल क्वेश्चन 29 क्या लिखा आपने Y इनटू है क्या वो Y इनटू लेकिन y इनटू होगा तो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं आपने कुछ अलग ही लिखा है मेरे हिसाब से क्योंकि आपने ऐसे लिखा है ना 1296 और ये अंडर रूट 4 है यही दिख रहा है मुझे ऐसे नहीं नहीं कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा ऐसा कभी नहीं आएगा ऐसे क्या निकालेंगे हम समझेगा कैसे ऐसे दो दो इक्वल साइन है यहाँ पे y into है तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ना वैसे नहीं आएगा कुछ तो रॉन्ग होगा उसमें लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ना साइन बीच में वहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो है क्या ना अभी तो नहीं है वो बुक मेरे पास नहीं है अभी देखने के लिए ये वाला इक्वेशन सही है यहाँ पे कुछ हाँ मैम ये आ सकता है 6 into यही है इसलिए ना नहीं आ रहा था अच्छा मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ ना कुछ जरूर प्रिंटिंग मिस्टेक है ये बाकी आ जाएगा आपको अभी आ जाएगा एक बार देख लो और जो क्वेश्चन 5 भेजा है ना आपने x plus y cube equals to 1331 वो मत करो वो outdated pattern है अभी नहीं पूछते वैसे वो skip करो हाँ वो तीन तीन है ना उसमें x y z वाला क्वेश्चन 5 लिखा है आपने 5 ठीक है वो मत करो अब इसके नीचे काम आ रहा है हाँ लेकिन उसमें x का इक्वेशन नहीं है चलो ये क्या लिखा है 3481 मैम वो x का सॉल्व हो जा रहा है ये नहीं हो रहा है इसीलिए लिखा है ओके 3y स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 216000 ये कर सकते हैं चलो थ्री फोर एट वन किसका स्क्वायर है देखो सिंपल है निकाल सकते हो 3481 59 लगा के हाँ
आया किसी का? मैम वाई वाला सॉल्व नहीं हो रहा है. और किसी का आया क्या बताओ? आंसर आया किसी का? ये वाला सिंपल है. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? ये माइनस है, प्लस हो जाएगा 3481. और ये जो स्क्वायर है वो 59 का है. ठीक है, 59 का स्क्वायर है 3481. अभी ये स्क्वायर है तो आंसर क्या होगा? प्लस और माइनस दोनों में आ जाएगा, तो आंसर होगा प्लस 59 एंड माइनस 59. अभी यहाँ पे देखो 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 216 किसका क्यूब है बताओ? 216 का है. यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो ये किसका हो जाएगा? 60 का हो जाएगा. 60 into 60 into 60 क्या हो जाएगा? 216,000. ठीक है, तो यहाँ पे आया 60. y square equals to क्या होगा? 60 divided by 3. y square equals to 20. और यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस 59, मतलब प्लस 59 एंड माइनस 59. और यहाँ पे स्क्वायर का आ रहा है. अच्छा, तो y का क्या आएगा? अंडर रूट 20. पता नहीं है ना हमें, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अंदर लिख देंगे. अभी इसका देखो, इसके आसपास देखो, अंदाजा लगाएंगे हम यहाँ पे, एक्चुअल नहीं निकालना है. 5, 4, 2. नहीं नहीं नहीं, मतलब किसके स्क्वायर आंसर सीएनडी आएगा ना मैम? सीएनडी पता नहीं मुझे आंसर, इन दोनों के मिडल में ही आएगा ना. 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है. 5 का स्क्वायर होता है 25. तो इन दोनों के मिडल में ही आएगा, उतना तो कंफर्म है. और प्लस में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे प्लस में आएगा आंसर. तो यहाँ पे प्लस में आएगा प्लस 59 और यहाँ पे 4 और 5. ठीक है, 4 और 5 में से 59 ही बड़ा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा. यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये बड़ा हो जाएगा. मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सीएनडी, क्योंकि एक प्लस है, प्लस में से ये बड़ा है, लेकिन माइनस और प्लस में क्या बड़ा होता है? प्लस बड़ा होता है, तो सीएनडी आए. टोटल क्वेश्चंस कितना हुआ है क्वाड्रेटिक का? 25, 24. ठीक है, कल तक खत्म हो जाएगा. थोड़ा एक क्वेश्चन बाकी है. इसमें किसी को डाउट है? नो मैम. मैम वाई का बताओ ना. वाई का बताओ. अच्छा, यहाँ तक समझा आपको? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20, रूट 20 तक समझा. अच्छा, रूट 20 तक समझा. देखो ये जो है ना, ये अंडर रूट है ना, मतलब अगर मैं समझू अंडर रूट 16 है और अंडर रूट 25 है, इन दोनों के मिडल में ही आएगा अंडर रूट 20. और ये किसका स्क्वायर है? 4 का है. और ये किसका है? 5 का है. तो जो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू आ सकता है वो 4 और 5 के मिडल में आएगा ना. एक्चुअल हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम एक्चुअल नहीं करेंगे. लेकिन इन दोनों के बीच में ही आएगा, वो तो कंफर्म हो गया कि 4 और 5 के मिडल में ही आएगा जो भी वैल्यू होगा. तो कंपेयर कर सकते हैं ना यहाँ पे, प्लस 59 और प्लस 4.5 समझ लो, दोनों में कौन सा बड़ा होगा? यही बड़ा होगा, इसके लिए ग्रेटर आया. माइनस 59, यहाँ पे जो वैल्यूज आएगा वो प्लस में आएगा, तो ये अगर प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही बड़ा होगा ना, तो इसीलिए दोनों का दोनों साइन आया, इसीलिए सीएनडी, क्योंकि 4 और 5 के मिडल में ही आएगा जो भी वैल्यू आएगा. मैं ऐसे समझ लेती हूँ. नहीं नहीं, ऐसा एक्चुअली नहीं आएगा, नहीं आएगा ऐसा, बहुत कम आएगा, क्योंकि मैंने भी जितना एग्जाम दिया कुछ नहीं आता है.
मेज में भी नहीं आएगा ऐसा बहुत, एक्चुअली रूट रूट का भी बहुत कम चांस है आने का, वो वाला आ सकता है लेकिन ऐसा टाइप का नहीं आएगा, ऐसे टाइप का नहीं पूछेंगे। इतना टफ नहीं पूछते वो। चलो अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है? ओके मैम। बाकी जो डाउट्स है कल ना। बाय मैम। हाँ। ओके। बाय बाय। बाय। थैंक यू मैम। वेलकम बाय। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय। क्या हुआ बादल? कुछ नहीं। ये क्या लिखा है आपने? मैम आपका वो अच्छा फोकस क्लास के ऊपर ही नाम था। With marks. कहाँ पे दिखा आपको? गूगल मैप पे एक सर्च किया था ना मैंने तब भी। ना ढूंढा था आपने? फोटोज देखा था कि क्लासरूम कैसा है वो सब देखने के लिए ऐसे। अच्छा उसमें आपको मेरा नाम दिखा? हाँ 82 point something something था। हाँ वो 82.2.25 ही था, वो SBI का है मेरा, SBI prelims का है। हेलो मैम। हाँ बोलो। एसएससी के लिए कौन सा बुक प्रेफर कर सकते हैं? मैथ्स के लिए? मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल ही ले लो, आरएस अग्रवाल का अच्छा मैथ्स के लिए। हाँ ओके ओके चलो बाय 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 बाय।